दिस इज वरीशा जुल्फिकार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं कुछ आपके क्वेश्चंस को आंसर करूंगी, कुछ वैक्सीनेशन के हवाले से बात करेंगे और कुछ टीआरसी के हवाले से भी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि टर्की में जो क्वारंटीन वाला सीन था वो अभी तक ऑन है और अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, कोई अपडेट नहीं आई है कि ये क्वारंटीन वाला सिलसिला कब तक चलता रहेगा। लेकिन जहाँ पर तमाम तर सिटीजन्स को क्वारंटीन किया जा रहा है वो बहुत मज़े की जगह है। ऐसा लगता है कि आप किसी होटल में रुके हैं और आपको बाहर नहीं जाना, बहुत सारे लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो गपशप भी हो सकती है, दोस्तियाँ भी हो सकती हैं और आपके कॉन्टैक्ट्स भी बढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई जो इस वक्त वहाँ पर क्वारंटीन में हैं, वो इन्जॉय कर रहे हैं, उनके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है, खाना उनको अच्छा दिया जा रहा है। अगर आपको खाना पसंद नहीं है तो आप खाना ऑर्डर करके भी मंगवा सकते हैं। बस 14 दिन तक आपको वहीं पर रहना है, आप वहाँ से बाहर नहीं जा सकते। खिड़कियाँ खोलकर वहाँ के नज़ारे ज़रूर कर सकते हैं कि इस्तांबुल का मौसम कैसा है, वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, कितना ट्रैफिक है, लॉकडाउन की क्या सिचुएशन है, ये आप खिड़की से देख सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते 14 दिन तक। सो ये सिचुएशन थी उन सेंटर्स की जहाँ पर आवाम को क्वारंटीन किया जा रहा है। ऑन दी अदर हैंड मुझसे ये पूछा गया था कि ट्रांजिट फ्लाइट का बता दें कि जो ट्रांजिट फ्लाइट से किसी और डेस्टिनेशन पर जाना चाहते हैं वो टर्की से गुजर कर जा रहे हैं, तो अगर आप इस्तांबुल एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में रहते हैं तो बिल्कुल भी आपको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। आप अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कीजिए, अपनी फ़्लाइट लीजिए और अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाइए, नो नीड टू क्वारंटीन। ऑन दी अदर हैंड जो लोग उन 8 ममालिक से होते हुए आ रहे हैं या लास्ट 15 डेज आपने वहाँ पर गुजारे हैं तो बिल्कुल आपको क्वारंटीन होना पड़ेगा। और वो पाकिस्तानी जो इन 8 कंट्रीज़ के अलावा कहीं और से होते हुए आ रहे हैं तो फिर उनको क्वारंटीन नहीं होना पड़ेगा। बेसिकली मसला ये है कि ये जो ममालिक हैं जिनकी लिस्ट टर्की मिनिस्ट्री की जानिब से जारी की गई है, उनका ये मानना है कि यहाँ पर केसेस बहुत ज़्यादा है। ऑल दो पाकिस्तान में अब जो कोरोना की सूरत हाल है वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ चुकी है, लेकिन अभी पाकिस्तान को मज़ीद काम करना पड़ेगा कि दुनिया में अपना वो नाम पैदा करें, वो मकाम पैदा करें कि लोग भी इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हो जाएं ऑल ओवर द वर्ल्ड कि पाकिस्तान भी उन ममालिक में शामिल है जो कोरोना को बेहतरीन तरीके से टैकल कर सका है, कंट्रोल कर सका है। एनीवेज सो अब सीन ये है कि जो लोग पाकिस्तान से ट्रैवल करके जा रहे हैं उनको क्वारंटीन होना है। कुछ लोग अब 30 डेज़ का वीज़ा ले रहे हैं, लेकिन 30 डेज़ का वीज़ा में मसला ये है कि अभी जो एयरलाइन के टिकट्स हैं उनकी प्राइस तकरीबन डबल हुई हुई है, डबल से भी ज़्यादा हुई हुई है, और जहाँ पर आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट लेनी है तो आपको वहाँ पर इंतज़ार बहुत करना है। 30 आवर्स की ट्रांजिट फ़्लाइट्स हैं इस वक्त जो आपको टर्की लेकर जा रही हैं, तो डेफिनेटली इट्स ऑन यू कि आपको अगर जाना है आप जा रहे हैं, आप पैसे खर्च कर सकते हैं, आपके पास टाइम है तो आप चले जाएं। अदरवाइज़ मेरा मशवरा यही है कि जुलाई 1st तक आपको वेट करना चाहिए। और जब हम जुलाई 1st की बात करें, जुलाई के महीने की बात करें, तो अच्छी खबर यह है कि अभी हमारे पास सिर्फ एक टर्की का ऑप्शन है जिसे हम मुसलसल अवेल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिसको भी ट्रैवलिंग करनी होती है, जो भी बोर हो रहा होता है, वो ये देखता है कि यार हमारे पास कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है, सो हम टर्की का वीज़ा लेते हैं और टर्की चले जाते हैं। लेकिन अभी जुलाई के बाद अच्छी खबर आ रही है, जैसे कि UAE ने बहुत सारी कंट्रीज़ को अलाउ कर दिया है कि वो अब UAE घूमने के लिए आ सकते हैं। लेकिन अगेन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, PCR टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर आप उन अफराद में शामिल हैं जिनको लास्ट 6 मंथ्स में कोरोना हो चुका है। ऑन दी अदर हैंड एक और बात यह है कि यूरोप जो है वो भी अब वीज़ा जारी कर रहा है, वीज़ा देना उसने शुरू कर दिया है। स्पेशली अगर स्पेन की बात की जाए तो स्पेन वीज़ा दे रहा है। और अब बात यह आ जाती है कि अब जब आप ट्रैवल करेंगे, आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, आपका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो फिर आप क्या करें? सो ट्रैवलिंग के लिए कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ज़रूरी है, आपका PCR टेस्ट ज़रूरी है, और अगर आपको लास्ट 6 मंथ्स में कोरोना हुआ है तो वो भी गुड इनफ है, क्योंकि आपके अंदर एंटीबॉडीज़ खुद ब खुद डेवलप हो चुके होते हैं और फिर आपको अलाउ कर दिया जाता है कि आप ट्रैवल कर सकते हैं या आप उन ममालिक में जा सकते हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा हैं। सो इस वक्त पाकिस्तान में जो वैक्सीन्स लगाई जा रही हैं, अभी पाक वैक लॉन्च हो गई है लेकिन अभी पाक वैक लगना शुरू नहीं हुई है। एस्ट्राजेनेका के हवाले से कहा जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका मैंने एक्सपो सेंटर में देखी है, वहाँ पे लग रही है। स्पुतनिक की अगर बात की जाए तो वो प्राइवेट सेक्टर्स में, मतलब प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आपको मिल जाएगी, पैसे देकर आपको लगवानी पड़ेगी। साउथ सिटी हॉस्पिटल आप चले जाइए। कैनसाइनो लगाई जा रही है डॉ में, जो कि सिंगल डोज वैक्सीन है और वो आप जाकर आसानी से लगवा सकते हैं। फाइज़र अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, लेकिन फाइज़र भी बहुत जल्द पाकिस्तान में आने वाली है, और जब फाइज़र आ जाएगी तो यकीनी तौर पर मैं आपको बताऊंगी। और इसके अलावा साइनोफॉर्म है, साइनोवैक है, तो ये वो वैक्सीन्स हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में लगाई जा रही हैं। लेकिन
अब कंसर्न ये है कि वो लोग जो ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे कि कब ट्रैवलिंग खुलेगी तो फिर हम ट्रैवल कर सकें, PCR टेस्ट के साथ सबने ट्रैवल करके देख लिया, और बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर रैपिड एंटीजन टेस्ट भी हो रहे हैं, लेकिन अब तमाम तर ममालिक ने तकरीबन वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया। अगर आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है या फिर आपने वो वैक्सीन नहीं लगवाई हैं जो डिफरेंट कंट्रीज डिमांड कर रही हैं, तो फिर आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा। जो लोग हज और उमरा पर जाना चाह रहे हैं वो स्पेशली बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि वो क्या करें, तो उसके लिए हमारी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो बहुत कोशिश कर रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि सऊदी अरब को इस बात पर आमादा किया जाए कि हमारे शहरियों ने जो वैक्सीन लगवाई हैं उसको WHO ने भी रिकग्नाइज़ कर लिया है और अपनी वैक्सीन की लिस्ट में डाल दिया है। ऑल दो कि वो चाइनीज़ वैक्सीन हैं, लेकिन जिन लोगों ने वो वैक्सीन लगवाई हैं उनको अलाउ किया जाए कि वो विदाउट क्वारंटीन हज और उम्रा की सादत हासिल कर सके। इस वक्त यूरोप जो वैक्सीन एक्सेप्ट कर रहा है उनमें फाइजर है, BioNTech है, साइनोफॉर्म है, एस्ट्राजेनिका है। ये वो वैक्सीन हैं जो अगर आपने लगवाई हैं तो आप यूरोप ईजिली ट्रेवल कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर हम टॉप 10 और टॉप 9 वैक्सीन की बात करें तो उसमें BioNTech है जो कि जर्मनी ने बनाई है, फाइजर है जो कि US की वैक्सीन है, मॉडर्ना है वो अगेन US की वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन US ने बनाई है, एस्ट्राजेनिका है जो कि UK में भी तैयार हुई है और स्वीडन में भी तैयार हुई है, स्पुतनिक है जो कि रशिया ने बनाई है, साइनोवैक चाइना ने बनाई है जो पाकिस्तान में लगवाई जा रही है और मैंने भी साइनोवैक ही लगवाई है, नोवावैक्स है जो कि US में तैयार हुई है, और कोवैक्सीन है जो कि इंडिया में तैयार की गई है। ये वो वैक्सीन हैं जो इस वक्त अवेलेबल भी हैं और ये WHO की लिस्ट में भी हैं, जिनमें पाकिस्तान में जो अवेलेबल है वो एस्ट्राजेनिका है, साइनोवैक है और बहुत जल्द फाइजर भी आ जाएगी। अब मैं फाइजर के बारे में अगर स्पेसिफिकली बताऊँ तो फाइजर के हवाले से अभी कुछ ही दिन पहले जो NCOC के चेयरमैन हैं असद उमर, उन्होंने ये बताया था कि फाइज़र हमारे पास आने वाली है, लेकिन फाइज़र की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, इसलिए कुछ केसेस हैं जिनमें वो लगाई जाएगी। लाइक प्रायोरिटी बेसिस की अगर बात की जाए तो वो लोग जो स्टूडेंट वीज़ा पर बाहर जाना चाहते हैं, वो लोग जिनकी कोई मुलाजमत का मसला है, कारोबार का मसला है, वो बाहर जाना चाहते हैं, कोई ऐसा मरीज़ है जो बाहर जाना चाहता है, या वो लोग जो हज और उम्रा पर जाना चाहते हैं उन्होंने अभी तक खुद को वैक्सीनेट नहीं किया है, तो उस वक्त तक जब तक ये ममालिक पाकिस्तान को रेड लिस्ट से नहीं निकाल देते, उस वक्त तक जब ये ममालिक चाइना की वैक्सीन को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, तो उस वक्त तक के लिए यकीनी तौर पर आपको फाइज़र लगवानी पड़ेगी। तो फाइज़र का स्टॉक लिमिटेड है, और ये जो मैंने आपको बताया कि ये वो केसेस हैं जिन पर प्रायोरिटी बेसिस पर आपको वैक्सीन लग सकती है, अगर आप स्टूडेंट हैं आपके पास वीज़ा मौजूद है तो वो आप जाकर दिखाएंगे तो आपको फाइज़र वैक्सीन लगवा दी जाएगी। इसलिए जिन लोगों को इन कंडीशंस पर अभी ट्रैवल करना है तो उनके लिए मैं यही बताऊंगी कि वो लोग अभी रुक जाएं, अगर उन्होंने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई है तो वो फाइज़र आने का इंतज़ार करें और फिर आप फाइज़र लगवा सकते हैं ताकि आपकी ट्रैवलिंग आसान हो सके। अच्छा, एक सवाल मुझसे और किया गया था वीज़ा के हवाले से, टर्की वीज़ा के हवाले से, कि अगर हम यूरोप में रहते हैं तो हमें वीज़ा कितने दिन में मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो कुछ कंट्रीज़ ऐसे हैं जिसके लिए टर्की की जानिब से ये एग्जेम्पशन है कि आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल होता है, ई वीज़ा होता है, जिनमें यूरोप भी है, US भी है, UK भी है, कैनेडा भी है, और अगर कोई पाकिस्तानी है और उन्होंने ये वीज़ा लगवाया है, एस ट्रैवल वीज़ा भी लगवाया है, तो वो भी टर्की जा सकते हैं ट्रैवल करने के लिए, और फिर उनको भी टर्की का वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल पर आप जा सकते हैं और घूम फिर कर आ सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जो ऑप्शंस अब इंशाल्लाह खुलने वाले हैं उनमें थाईलैंड है, मलेशिया है, दुबई है, इंडोनेशिया है, और ये वो ममालिक हैं जहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा था, लेकिन कोविड के बाद से हम ये देख रहे हैं कि इन्होंने वीज़ा देने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, यहाँ पर टूरिज़्म ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, स्पेशली उन ममालिक के लिए जो कि रेड लिस्ट पर शामिल हैं। तो अब होपफुली जुलाई के बाद अच्छी अच्छी खबरें आना शुरू हो जाएंगी, और लंदन जो लोग जाना चाहते हैं उनको भी ये बात पता है कि लंदन ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में डाला हुआ है, तो पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो मुसलसल कोशिश कर रही है, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कल ही ये बात की है कि हमारी लंदन की गवर्नमेंट से बात चल रही है कि भाई जो लोग जाना चाहते हैं उनको जाने दिया जाए, क्योंकि हमने वैक्सीनेट भी कर दिया है अपने शहरियों को और PCR टेस्ट भी वो लोग साथ लेकर आएंगे और हमें अलाउ किया जाए, तो अब इस पर बात चल रही है, हो सकता है कि पाकिस्तान को रेड लिस्ट से निकाल दिया जाए, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनमें पाकिस्तान रेड लिस्ट में शामिल है
और पाकिस्तान के जो शहरी हैं वो यकीनी तौर पर परेशान हैं कि हमने वैक्सीनेशन करवा ली है, उसके बावजूद हमें अलाउ नहीं किया जा रहा कि हम कहीं घूमने फिरने के लिए चले जाएं, या वो लोग जो अब पाकिस्तान आकर स्टक हो गए हैं, वैक्सीनेशन करवानी है, क्या करें, कौन सी वैक्सीनेशन करवाएं। तो ये वो इन्फॉर्मेशन थी जो यकीनी तौर पर आपके काम आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के काम आएगी तो इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर कुछ जानना चाहते हैं तो ये मेरा इंस्टाग्राम का एड्रेस है, इस पर आप मुझसे रابطہ कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।